और फिर क्या हाल चाल है सबके, वेलकम बैक टू रिव्यूज विद रूपम। जवान 400 करोड़ क्लब में एंटर कर गई है सिर्फ 9 दिनों में। इससे पहले पठान और गदर 2 भी काफी जल्दी एंटर हुई थी, लेकिन पठान 11 दिनों में और गदर 2 को ये करने में 13 डेज लग गए थे। जवान अभी कैसी कलेक्शन निकाल के दे रही है? क्या गदर 2 अपने सेकेंड फ्राइडे और सैटरडे को ज्यादा कलेक्शन दे रही थी जवान से, या फिर जवान ज्यादा है? अगर देखा जाए कि जवान 700 करोड़ तक पहुंच गई है वर्ल्ड वाइड, लेकिन गदर 2 अपने वर्ल्ड वाइड जो मतलब एंड तक भी है वो 677 करोड़ के आसपास ही है। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई शाहरुख खान की जो वर्ल्ड वाइड स्टार पावर है वो अलग ही लेवल पे है। ये चीज आपने पठान में भी देखी थी। पठान का इंडिया का कलेक्शन कितना है? 554, पर अगर उसका वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वो 1000 करोड़ से भी ऊपर है। तो ये चीज हमें जवान में भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे कि भाई जवान ने अपने फ्राइडे को कैसी कलेक्शन निकाल के दी है, या फिर आप कहो नाइन्थ डे पे कैसी कलेक्शन दी है। तो उसने 21 करोड़ के आसपास की कलेक्शन निकाल के दी है। ये मूवी अभी तक 20 करोड़ के नीचे नहीं गई है। ये चीज हमें गदर 2 में भी देखने को मिली थी। वो मूवी भी अपने 9-10 डेज तक 20 करोड़ के नीचे नहीं गई थी। सेकंड वीकेंड के बाद ही वो 20 करोड़ के नीचे उतरी थी, और शायद जवान में भी वैसा ही हो। बात करें कि गदर 2 अभी कैसी कलेक्शन निकाल के दे रही है, वो टोटल 518 करोड़ तक पहुंच गई है। अब 5.5 करोड़ ही बचे हैं पठान का जो है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। पठान सबसे ऊपर बैठी है 524 करोड़ के साथ। क्या गदर 2 वहां तक पहुंच पाएगी? क्योंकि अगर बात करें कि उसने फ्राइडे को कैसी कलेक्शन दी है, तो 55 लाख की कलेक्शन निकाल के दी है। सारी उम्मीद इस चीज पे टिकी थी कि भाई वो सैटरडे को कैसी कलेक्शन निकाल के देगी। सैटरडे को भाई अगर उसके नंबर अच्छे आते तो वो जल्दी पहुंच जाती, पर उसके जो सैटरडे के एस्टिमेट्स है वो अच्छे निकल के नहीं आ रहे, वो भी 55 लाख तक ही है। मतलब धीरे धीरे ये पठान तक पहुंच रही है। बात ये है कि क्या ये जवान से पहले पहुंच पाएगी, पर अगर ये पहुंच भी जाती है तो एटलीस्ट ये सेकंड नंबर तो भाई पा लेगी, और मतलब पठान को थर्ड नंबर पे बिठा देगी। ये देखना इंटरेस्टेड रहेगा कि जवान या फिर गदर 2 कौन पहले ऊपर पहुंचती है, इसके बारे में आपको बताता रहूंगा। वहीं अगर बात करें कि जवान अपने सेकंड वीकेंड पे कैसी कलेक्शन निकाल के दी है, गदर की बात करें तो उसने अपने जो सेकंड उसका सैटरडे था उसमें 31 करोड़ के आसपास की कलेक्शन दी थी। तो जवान भी लगभग बोलते हैं ना उसके सेम ही चली है, तो उसके भी जो एस्टिमेट्स हैं वो 31-32 करोड़ के आसपास ही निकल के आ रहे हैं। तो ये दोनों मूवीज की जो इंडियन बीज आप कह सकते हैं वो लगभग सिमिलर है, पर जो जवान है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन निकाल के दे रही है। पर ऐसा नहीं है कि देखो स्टार्टिंग में जवान ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन दी है गदर के मुकाबले, क्योंकि वो 80 करोड़ तक भी टच किया है उसने जवान ने, पर गदर 2 के हाईएस्ट 55 करोड़ ही था। इन दोनों मूवीज की कलेक्शन के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।